नालंदा उन्हें बाईपास मार्ग पर आज सुबह एक स्कूल बस का भीषण एक्सीडेंट हो गया। स्कूल बस ने एक मोटरसाइकिल और एक ई रिक्शा को जोरदार टक्कर मार दी। इस टक्कर में उज्जैन का जयसिंहपुरा निवासी बाइक सवार घायल हो गया है। गनीमत ये रही कि बस में बच्चे सवार नहीं थे। दरअसल शांति पैलेस के पीछे इंदौर नागदा बाईपास मार्ग पर सुबह एक दुर्घटना घटित हुई। प्रत्यक्षदर्शी के अनुसार तेज रफ्तार से आ रही स्कूल बस ने दुकान के समीप खड़ी ई रिक्शा को जोरदार टक्कर मारकर उसे दुकान के अंदर पहुंचा दिया। प्रत्यक्षदर्शी ने जानकारी देते हुए बताया कि जब तेज रफ्तार से आ रही स्कूल बस के ड्राइवर ने पंचमुखी हनुमान के समीप से आ रही एक मोटरसाइकिल को देखा तो उसे बचाने के चक्कर में उसने गाड़ी को मोड़ दिया, जिसके चलते गाड़ी अनबैलेंस होते हुए वहां समीप खड़ी एक ई रिक्शा में जा टकराई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि ई रिक्शा भी दुकान के अंदर पहुंच गई। जब ड्राइवर से जानकारी चाही तो उसने बताया कि बस में कोई भी विद्यार्थी नहीं था, वो विद्यार्थियों को स्कूल छोड़कर बस को गैरेज ले जाने के लिए रवाना हुआ था। बैठे हुए चाय पी रहे थे, स्कूल बस शांति पैलेस होटल से आ रही थी और अपने पंचमुखी मंदिर से एक बाइक आई, उसको बचाने के सिलसिले में ये गाड़ी इधर घुसी और ये ई रिक्शा भी यहीं मौजूद पे थी, इसको टक्कर मारते ये ई रिक्शा दुकान में घुस गई और ये इतना नुकसान भी हुआ है। एक गाड़ी वालों को चोट भी अच्छी खासी लगी है और बच्चे भी इसमें बैठे हुए थे। स्कूल बस में बच्चे थे क्या स्कूल की? नहीं, खाली बस थी। खाली बस थी। ये बस वाला कह रहा था मैं इसको मतलब गैरेज पे ले जा रहा था। किसी गंभीर चोट तो बाइक वाले को ही? सब गंभीर चोट बाइक वाले को ही, और उसकी बाइक मेन गाड़ी के ठीक सामने फंसी हुई पड़ी है अभी भी।